क्वेश्चन नंबर वन, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 7, 8, 0, 9 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट इज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोर स्मॉल डिजिट नंबर हमें इसमें से बताना है, जो नंबर्स हैं 7, 8, 0, 9 इसको बिना रिपीट किए ऑप्शंस में से कौन सा फोर स्मॉल डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7, क्योंकि स्मॉल डिजिट कहा जा रहा है तो सबसे इसमें छोटा 7 है, इसलिए 7089 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। हाई गाइज, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माई चैनल माई पाठशाला बाई नीतू निगम। आज मैं आपके लिए सिल्वर जोन ओलम्पियाड क्लास 3rd की मैथ्स की सिलेबस एंड सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ, जिसमें आप जान सकेंगे क्लास 3rd सिल्वर ओलम्पियाड के मैथ के सिलेबस क्या हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, जो भी सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन रहेंगे उसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके पहले सिलेबस देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर ओलम्पियाड्स से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट, सैम्पल पेपर एंड डिफरेंट ओलम्पियाड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट है नंबर एंड देयर ऑपरेशन, नंबर सेंस एंड न्यूमरेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। इस सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 3 रहता है, तो टोटल मार्क्स 18 हो जाते हैं। पार्ट्स एंड होल्स, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से 3 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स 9। मनी टाइम एंड कैलेंडर, टाइम एंड कैलेंडर एंड मनी चैप्टर से 3 क्वेश्चन रहेंगे, इस प्रकार टोटल मार्क्स 9 हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, जिसमें मेजरमेंट आ जाता है, जिससे 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 9। नेक्स्ट टॉपिक है जियोमेट्री, जिसमें जियोमेट्रिकल शेप्स आ जाते हैं, जिससे भी 3 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स 9 हो जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में डेटा हैंडलिंग आ जाते हैं, जिससे 2 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स 3 हो जाते हैं, सो टोटल मार्क्स हमारे हो गए 6। नेक्स्ट हमारा हो जाता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन रहते हैं, जो हर मार्क्स के 3.5 के रहते हैं, टोटल 17.5। एंड स्कॉलर जोन, जो कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन से जाने जाते हैं, ये ऊपर हमने जो भी सिलेबस देखा है इसमें, अभी जो इन सिलेबस के बारे में हमने बताया आपको, इन्हीं सिलेबस से स्कॉलर जोन में हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस रहते हैं, जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल 4.5 मार्क्स के रहते हैं, तो इस प्रकार 22.5 मार्क्स के स्कॉलर जोन से क्वेश्चंस हो जाते हैं। यानी मैथमेटिक्स में आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड और ये सिलेबस आपके रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 30 रहते हैं और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पेपर रहते हैं। तो चलिए एक सिलेबस हमने देख लिया, अब इसके हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ स्क्वायर प्लस सर्कल इज इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर ट्रायंगल प्लस सर्कल इज इक्वल टू 70, तो देन द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल इज, अगर इन दोनों की वैल्यू 9 दी गई है और इन तीनों की वैल्यू 17 दी गई है, तो ट्रायंगल निकालने के लिए हमारा क्या हो रहा है। चलिए इसको हम अलग कलर के देख लेते हैं। देखिए ये दोनों सेम हो रहा है और ये दोनों सेम हो रहा है, ट्रायंगल हमारा अलग हो रहा है, तो इसमें से हम 17 माइनस 9 कर देंगे। 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा ट्रायंगल की वैल्यू हमारी निकल गई, ट्रायंगल की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ट्रायंगल की वैल्यू 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ यू हैव ₹50 नोट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन यू बाय, अगर हमारे पास 350 नोट्स हैं, 350 नोट्स मीन्स हमारे पास हो गया 3 into 50 मीन्स हमारे पास हो गया 3 × 5 = 50, यानी 150 रुपीज़ हमारे पास है। अब 150 रुपीज़ में से हम इसमें से कौन से टॉयज को बाई कर सकते हैं, ए 160 नहीं कर सकते हैं, बी 140 इसे हम कर सकते हैं, सी 200 भी नहीं कर सकते हैं, 180 भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 150 से ज़्यादा अमाउंट का ट्वाइस है।
तो 140 का हम ट्वाइस खरीद सकते हैं और उसके बाद हमारे पास 10 रुपीज रिमेनिंग बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इनकरेक्ट मैचिंग ऑफ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय शेडेड पार्ट इन गिवन ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। चलिए इसे हम देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन से शेडेड वाले जो ऑप्शन है वो गलत है। चलिए पहला हम समझ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जितने शेडेड पार्ट होते हैं वो ऊपर लिखा रहता है, उसके टोटल नंबर्स जो होते हैं वो नीचे लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शेडेड पार्ट कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, उसके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, अलग कलर से करके देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल नंबर 8 हो गए, तो दिस इज ये करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। सेटेड पार्ट दोनों तरफ 2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल पार्ट्स हमारे सेटेड 2 पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स भी 2 हैं, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट सी में देख लेते हैं। चलिए इसको पहले मैं रफ कर देती हूँ, फिर सी में देखती हूँ। सी में देखिए 4 सेटेड पार्ट हो रहा है, तो देखते हैं 4 सेटेड पार्ट है, 1, 2, 3, 4 4 सेटेड पार्ट हो गए, और फिर 5, 6, 7, 8 ये टोटल 8 हो गए, तो 4/8 दिस इज ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे नंबर्स डी। डी में क्या है, 3 सेटेड पार्ट बोल रहा है, सेटेड पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे सेडेड पार्ट 5 है, जबकि यहाँ दे रहा है 3, तो दिस इज द इनकरेक्ट। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट मैचिंग बताना है, तो इनकरेक्ट मैचिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द वेट ऑफ ईच आइडेंटिकल बॉल इज द गिवन बैलेंस ईच। यहाँ पे इसका बैलेंस बताना है कितना होगा। ये दोनों देखिए यहाँ पर बैलेंस क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है, यानी 42 केजी है और ये 6 बॉल 3 एंड 3 6 बॉल है। 6 बॉल जो है 42 केजी के बराबर है, तो सिंगल बॉल जो है एक बॉल कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे 42 केजी में से डिवाइड करेंगे 6 को, 42 केजी को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 7 42, ये हमारा इस प्रकार आप यहाँ पे कर सकते हैं, 42 डिवाइड हम 6 ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 6 7 42 7 6 42 42 हो जाता है, 6 7 42, तो यहाँ आंसर क्या हो गया 7, तो यहाँ 7 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो वेट ऑफ ईच आइडेंटिकल बॉल, एक बॉल की वेट हो गई 7 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य पूछें और मैं आपको इसका बताऊंगी। चलिए, और आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अभी हमारा सिल्वर जोन क्लास 12 के सब्जेक्ट वाइज आपको सैम्पल पेपर यहाँ पर मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ कैन इज द बाउल 1, 2, 3, 4 एंड इतने से 750 ml, तो देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैन। इसमें कहा जा रहा है एक कैन इतने ml के बराबर है, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंने बता दिया है। अब आप सॉल्व करके देखें कि किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, फिर इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट वुड बी नीडेड टू मेक द गिवन फिगर बिलो। इसमें कितने लाइन सेगमेंट है, चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल नंबर हो जा रहे हैं 12, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
If the figure given below made of three identical square, find the perimeter of whole figure. अब हमें पता है कि वन स्क्वायर इक्वल टू एक स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, ये हमें पता है चारों साइड्स इक्वल होती है. तो फाइंड द पैरीमीटर ऑफ होल फिगर, तो ये पैरीमीटर हमें निकालना है. तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो रहा है और एक स्क्वायर जो है सेवन का हो रहा है, क्योंकि थ्री स्क्वायर है तो 21 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा ये क्या हो गया 7. एक स्क्वायर की वैल्यू 7 है और चूंकि 7 इसके लेंथ भी हो जाते हैं एंड 7 इसकी ब्रेथ भी हो जाती है. अब हमें ये तीनों एक साथ मिलके ये क्या हो रहा है, रेक्टेंगल हो रहा है. तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा. रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपका हो जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाता है पी इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हमारा लेंथ जो है, ब्रेथ हमारा 21 सेंटीमीटर हो गया और लेंथ हमारी लंबाई जो है एक स्क्वायर की जो है, ये तीनों स्क्वायर की एक साथ है 7 मीटर. तो इसलिए P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 7 प्लस 21, ब्रेथ हमारी 21 है तो इक्वल टू 2 इंटू, ये ब्रैकेट हम हटाते हैं तो मल्टीपल लिखते हैं, और 7 प्लस 21 इक्वल टू 28. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जब 56, 2 टू जब 4 एंड 5, यहाँ पर क्या हो गया 56 सेंटीमीटर. सो यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी इज द 56 सेंटीमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द मिसिंग नंबर गिवन सीरीज बिलो. 53 ये सीरीज चल रही है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे है. देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, डिक्रीज सीरीज में जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ. 53 48 43 38 यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी नंबर्स के बीच में जो है माइनस 5 यहाँ पर किया जा रहा है. जैसे देख लीजिए 53 माइनस 5 इक्वल टू 48. उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 28 माइनस 5 करते हैं तो हमारा हो जा रहा है 23. तो इसी प्रकार जो है 38 में से 5 जाएगा तो 33 हो जाएगा और 23 में से 5 जाएगा तो 18 हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा आप लोग. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम जूम भी कर देते हैं कि अच्छे से आप इसको समझ सके. इसको थोड़ा सा हम जूम ले लेते हैं कि आपको क्लियर दिख सके एक्सप्लेन करने समय, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ ऑप्शन सही. अब पूछा जा रहा है टेक वन क्यूब एज वन क्यूब एंड देन काउंट द नंबर ऑफ क्यूब इन गिवन सॉलिड. एक वन क्यूब है, कितने क्यूब है इस तरह हमें सॉलिड काउंट करना है. तो चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमारे 8 हो गए, यानी ये वाले क्यूब की लाइनिंग जो 8 हो गई, तो नीचे वाली क्यूब की लाइनिंग भी क्या हो गई 8. तो 8 प्लस 8 कितने हो गए 16, और इसके ऊपर से ये लग रही है 16 के बाद क्या हो गया ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. सो करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन इसका ऑप्शन सी 26. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.